हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सूट का नाप लेकर यानी कि मैनेजमेंट लेकर इंची टेप से सूट की कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे मैनेजमेंट लेनी है और कैसे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने नाप लिया है, तो सबसे पहले जिस नाप का आपको बनाना हो वो वाला कुर्ती लेना होगा। तो हमें इसी नाप का बनाना है, तो मैं इसका मैनेजमेंट लूँगी यानी कि नाप लेके नोट कर लूँगी, उसके बाद हम कटिंग करूँगी। तो कैसे नाप लेकर कटिंग करना होता है, अगर आप किसी बुटीक में या कहीं भी देते हैं स्टिचिंग के लिए कुर्तियाँ, तो आप इस तरीके से घर पे अपने कुर्ती की मैनेजमेंट भी ले सकते हैं। अगर बॉडी मैनेजमेंट आप बॉडी का नाप करवाना नहीं चाहते हैं, तो आप घर पे पहले अपनी कुर्ती की नाप खुद से कर लेंगे, उसके बाद आप देंगे तो उसी नाप से आपकी बिल्कुल परफेक्ट साइज की सिलाई हो जाएगी। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसकी लेंथ यानी कि लंबाई। तो लंबाई यहाँ हमारी 35 है, तो यहाँ पे कंप्लीट लंबाई हम लिख लेंगे। लंबाई 35। लंबाई के बाद हम लिखेंगे शोल्डर। तो इस तरीके से शोल्डर 12 इंच लंबाई के बाद शोल्डर लिखते हैं। शोल्डर 12 इंच 12 इंच उसके बाद लिखेंगे चेस्ट। तो चेस्ट है 40, तो 20 है तो उसका डबल 40। चेस्ट 40, उसके बाद हम कमर देखेंगे। तो ये हो गई कमर वाली साइड, तो 19 है कमर, तो उसका हम डबल, तो डबल हो जाएगी 38। तो कमर 38, 38। उसके बाद देखेंगे हिप, ये हैवी साइज है, तो हिप हो गई 22, तो उसका डबल 44। हिप 44 यानी कि 44। उसके बाद देखेंगे दामन, तो दामन है कंप्लीट 23 इंच, तो दामन लिख लेंगे। दामन 23, उसके बाद हम आगे का नेक देखेंगे, फ्रंट नेक। तो आगे का गला 6 इंच, फ्रंट नेक गला 6 इंच हमने लिख लिया, नोट कर लिया। अब हम बैक नापेंगे, तो देखिए नापते हम कैसे हैं। तो यहाँ इस तरीके से, तो बैक है, पीछे का गला है 8 इंच, तो हम पीछे का गला 8 लिख लेंगे 8। उसके बाद अब देखेंगे बाजू की लंबाई और बाजू की गोलाई, तो हमें इसी नाप से बाजू की लेंथ रखनी है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से 16 इंच बाजू की लंबाई, बाजू लेंथ लंबाई, लंबाई 16 इंच। उसके बाद इसको देखेंगे गोलाई, तो गोलाई है 5, तो उसका डबल होगा 10 यानी कि 10 इंच। बाजू की गोलाई, गोलाई 10। तो हमने सारे मैनेजमेंट ले लिया है, देखिए इस तरीके से सारे मैनेजमेंट हमने लिया। आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये देखिए लंबाई 35, शोल्डर 12, चेस्ट 40, कमर 38, हिप 44, दामन 23, आगे का गला 6, पीछे का गला 8, बाजू की लंबाई 16, बाजू की गोलाई 10। तो चलिए अब करते हैं कटिंग। तो अब हम नापले को हटा देंगे, और जिस भी कुर्ती की कटिंग करना है उसको आप अच्छे से सफाई से आयरन कर लेंगे यानी कि प्रेस। तो हमने कर लिया है, अब चलिए कटिंग करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम आगे वाला पल्ला लेंगे, आगे पीछे जिसमें भी आपको करना है कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाला ही ले लेते हैं इस तरीके से, ये है आगे वाला। इसको हम ऐसे डबल करते हैं, ये तो इसको अच्छे से डबल कर लेंगे।
अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको रख लिया है, तो अब इसको सफाई से पहले बिछा देंगे। तो फ्रेंड्स ये कटिंग की वीडियो है, लिंक इसके नीचे आपको मिल जाएगी स्टिचिंग की यानी कि सिलाई की डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा। पार्ट टू है डिस्क्रिप्शन में, आने वाली वीडियो पार्ट टू आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मैनेजमेंट लेते हैं, तो लंबाई है 35 कंप्लीट, तो हम नीचे इतना एक्स्ट्रा रखेंगे 1 इंच, तो वो पहले हम मार्क लगा लेते हैं इतना, ताकि ये सिलाई में जाएगी ये। तो इतना हमने मार्क लगा लिया। अब यहाँ से हम कंप्लीट वाली लेंथ लेंगे, तो यहाँ 35 कंप्लीट है, तो हम इसमें भी 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं ये। अब यहाँ से इसकी लंबाई कटिंग करते हैं, तो पहले मार्क लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगी लंबाई। तो पहले ये वाले फैब्रिक को हटा देते हैं, तो इसको यहाँ से पहले कट करके हटा लेंगे। तो पहले लंबाई को हटा देते हैं, जितना भी आपका लंबाई है उतना ही रखना है, एक्स्ट्रा को हटा देना है। तो पहले ये चीज़ ध्यान देना है कि ये बिल्कुल बराबर हो, सफाई से हमें नीचे वाली बॉर्डर को मिलाते चलना है, क्योंकि नीचे की हमें बराबर रहेगी तो अब कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। अब यहाँ से निकाल देते हैं एक्स्ट्रा को, ये देखिए तो लंबाई हमने निकाल लिया। अब इसमें मैनेजमेंट लेते हैं, लंबाई में कुछ नहीं करना है, स्टिचिंग होकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब यहाँ से लेंगे शोल्डर, तो शोल्डर है 12, तो उसका हाफ लेंगे 6 इंच, और 6 इंच रेडी, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मिलाएंगे, दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगी। अब यहाँ से टेप लेंगे ऐसे, एक हमें लगाना है 7 इंच पे, जो कि चेस्ट का होगा, एक ये कमर का 14 पे, और 21 पे हिप का। अब इस लाइनिंग तीनों को ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए सीधा हमें तीनों को ड्रॉ करना है, फिर यहां से ऐसे। अब क्या करना है, इसको इससे मिलाना है 1 इंच कम करते हुए, जो कि आर्म होल के लिए, फिर यहाँ से हमने 1 इंच कम कर लिया है ऐसे। उसके बाद इसमें हमें गोलाई देनी है ये, तो ये गोलाई देंगे ऐसे, 1 इंच का गोलाई देना है ये। अब यहाँ से देखेंगे चेस्ट, तो चेस्ट है 40, तो उसका 1/4 होगा यानी कि चौथाई हिस्सा, 10 इंच, तो ये हो गया रेडी वाली 10, और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं। अब देखना है कमर, तो कमर है 38 इंच, तो उसका अगर आप बिगनर है तो क्या कीजिएगा, टेप को 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे टेप को 4 भागों में इंची टेप को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 9.5 और 2 इंच इसमें भी लूजिंग, और हिप देखना है तो हिप है 44, तो उसका फिर चौथाई हिस्सा निकाल लेंगे, तो टेप को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए हिप है 11 और इसमें भी 2 से 1.5 इंच लूजिंग, तो ये हमने लूजिंग लिया। अब यहाँ से देखना है दामन, तो दामन है 23, तो उसका हाफ लेंगे, तो यहाँ 23 है तो इसका हाफ लेते हैं ऐसे, तो 11, 11.5। अब इसका नाप रेडी करते हैं ऐसे ये ऐसे, तो ये रेडी वाला, फिर ये ऊपर से मिलाते हुए अब नीचे वाला मिलाएंगे, तो इस टेप को ऐसे सीधा रख लेंगे
और डॉट डॉट करके ऐसे इसको पहले मिला लेते हैं, और इतना चाक जो बनेगी वो जाएगी। अब यहाँ देखना है गला, तो गला आप जो भी डिजाइनिंग पहनना पसंद करते हो वो बना सकते हो। तो ऊपर से लेंगे 2.5 इंच, तो यहाँ हमने 2.5 इंच पे एक मार्क लगाया, और गला की साइज आप जो भी रखते हो, तो मैं यहाँ रखूंगी 6 इंच, और इधर से भी लेंगे 2.5, और इस लाइनिंग को सीधा ड्रॉ करेंगे, और इसमें हम गोल शेप देंगे क्योंकि गोल ही बनाएंगे। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग, और यहाँ से हम हल्का सा ऐसे डन देंगे। तो चलिए करते हैं इसकी अब कटिंग। तो इसी तरह आप मैनेजमेंट लेकर कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ हमने पल्ला की कटिंग कर लिया है इस टाइप से। अब यहाँ गला, तो गला हमें ज्यादा डिजाइनिंग कुछ नहीं बनानी है, बस हल्का सा इसमें गोल यू शेप दे देनी है, क्योंकि डिजाइन नहीं बनानी है। अगर डिजाइनिंग बनानी हो तो आप इसी में हल्का सा कोई भी डिजाइनिंग बना सकते हैं, बट मुझे गोल ही बनानी है। अब इसी को रखते हुए पीछे का पल्ला कटिंग करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ हमें पीछे का पल्ला कटिंग करने के लिए, ये आगे डिजाइनिंग है प्रिंट, पीछे कोई डिजाइनिंग नहीं है। तो अब पीछे का कैसे कटिंग करेंगे वो देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक है ये, बहुत ही अच्छी फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी पतली है, तो चाहे तो आप लाइनिंग भी लगा सकते हैं। तो लाइनिंग लगाना हो तो सेम इसी के साइड से कट कर लीजिएगा, तो मैं इसी के साइड से वो भी कट कर लूंगी ये ऐसे। और नीचे जितना फोल्ड होगा उतना हम बढ़ा के रखेंगे, तो नीचे इतना फोल्ड हो जाएगा, तो इतना हमने बढ़ा के रख लिया है ये। और कुछ नहीं करना है, बस इसी साइड से कटिंग कर लेना है ऐसे रखते हुए। तो चलिए अब वो कटिंग कर लेते हैं। अगर हेमिंग वाली बनानी हो इसलिए हमने इतना बढ़ा के रखा है। इस टाइप से फिर इधर गला आपको जो भी दिल हो वो बना सकते हैं, तो मैं यू ही बनाऊंगी, पीछे भी गोल ही। फिर यहां से आर्म होल इसी के साइज से कटिंग करेंगे, सिर्फ आगे वाले में 1/2 इंच का एक्स्ट्रा गोलाई हम बाद में दे देते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया पीछे का पल्ला और आगे का पल्ला। अब क्या करना है, बाजू कटिंग करना है, तो इसको हटा लेते हैं, और ये जो फैब्रिक है इसी से बाजू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको कर लेंगे ऐसे डबल, उसके बाद इसको ऐसे डबल करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ हमने रख लिया। अब बाजू की लंबाई देखनी है, तो बाजू की लंबाई है कंप्लीट 16, तो हम 18 रख लेंगे, अगर बढ़ाना हो तो 19 रख लेंगे, तो चलिए 19 ही रख लेते हैं। और इतना हम सीधा लाइनिंग कर लेंगे, फिर इधर से भी सीधा लाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच का गोलाई देंगे ऐसे। अब यहाँ से फिटिंग देखेंगे, तो बाजू की फिटिंग है 10 कंप्लीट और 2 इंच लूजिंग। अब यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे, इसमें हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, फिर यहाँ कर लेते हैं कटिंग।
रखी है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया। अब आगे वाले में शेप देना होता है, तो इसमें हम शेप कैसे देंगे वो देखिए। ऐसे लेना है और हाफ इंच का गोलाई देना है। ये देखिए, तो हमने एक बाजू में दे दिया, अब दूसरा में देंगे। तो एक साइड ये होगा, दूसरा साइड ये होगा। ऐसे ही इसमें भी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से मार्क लगा लेंगे ताकि पता चले आगे का कौन है और पीछे का कौन है। अब क्या करना है, सेम इसी को रखते हुए हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो उससे पहले क्या करते हैं, ये आर्म होल में हमें आगे वाले में हाफ इंच की गोलाई देनी होती है, पीछे में नहीं आगे में हमें देनी होती है, जैसे हमने बाजू में दिया है। तो यहाँ से ऐसे देंगे और हाफ इंच की इसमें गोलाई ऐसे दे देंगे। तो यहाँ हमने दे दिया इसमें गोलाई, तो हो गई है कटिंग। अब सेम इसी को रखते हुए हम लाइनिंग की कटिंग करके फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, सेम इसी को रखते हुए हमने अस्तर की कटिंग कर लिया है, यानी कि लाइनिंग की। तो देखिए, सिर्फ हमने इससे थोड़ा सा छोटा रखा है। ये देखिए, सेम इसी को रखते हुए हमने इसकी लाइनिंग कटिंग कर ली है। अस्तर देखिए बराबर, सब कुछ सेम, इतना ही आप फैब्रिक पर रख लीजिएगा, आप बराबर करते हुए कट कर लीजिएगा जैसे हमने कटिंग किया था। ये देखिए ऐसे, तो हमने बराबर कटिंग इसी को रखते हुए कर लिया आगे पीछे दोनों की। तो ये हो गई पीछे वाली, ये इतना ऐसे स्टिचिंग में जाएगी, ये ऐसे स्टिचिंग में जाएगी। तो ये है पीछे वाली पल्ला, और आगे वाली दिखाते हैं। ये देखिए, ये है आगे वाली पल्ला। तो इस तरीके से आप आसानी से कटिंग अस्तर वाली कुर्ती की भी कर सकते हैं। ये अभी आगे वाली बराबर है, इसको भी हम छोटा कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। और ये हो गई बाजू, तो ये दोनों बाजू हो गई। इसमें हमें नेक में अलग से पट्टी नहीं लगानी है, क्योंकि हम सेम साइज लगा लेंगे इसी की। इसी से हमें पलट लेनी रहती है अस्तर वाले कुर्ती से ही। तो अच्छे से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की ये कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सूट का मैनेजमेंट लेके सूट की कटिंग हम कैसे करते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, कुछ पूछना है तो नीचे करना है कमेंट। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय ऑल। तो फ्रेंड्स, इसके स्टिचिंग की वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि हम इस सूट को सिलाई कैसे करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं स्टिचिंग लेकर, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।